नमस्कार दोस्तों, निर्माण में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि निर्माण प्रॉफिट प्लस एप्लीकेशन में किस तरीके से हम मार्केट वॉच लिस्ट बना सकते हैं और इसमें स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको निर्माण प्रॉफिट प्लस में लॉगिन करना है। नीचे दिए गए मार्केट वॉच सिंबल पर आपको क्लिक करना है। सीधे हाथ की तरफ दिए हुए तीन बिंदुओं पर क्लिक करके क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। आप जो भी अपने मार्केट वॉच का नाम रखना चाहते हैं उसे आपको टाइप करना है। क्रिएट वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं आपकी वॉच लिस्ट क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। अब आपको ऐड स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। आप जिस भी स्टॉक को इसमें ऐड करना चाहते हैं उसका नाम आपको टाइप करना है। जैसे मैं एक्सिस बैंक को ऐड करना चाहती हूँ तो मैंने एक्सिस टाइप किया। आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक आ चुका है। सीधे हाथ की तरफ दिए हुए प्लस सिंबल पे आपको क्लिक करना है। सिंबल एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आने पे बैक पे जाइए, मिड कैप पे दोबारा क्लिक करिए। आप देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक का स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप और स्टॉक्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर के साइड एक मैग्नीफाइंग ग्लास का सिंबल दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करिए। स्टॉक का नाम टाइप करिए। जैसे मैं HDFC बैंक को ऐड करना चाहूँगी तो मैंने HDFC बैंक टाइप किया है, प्लस के सिंबल पे क्लिक किया है। सिंबल एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आने पे बैक गए, मिड कैप पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सिस बैंक और HDFC बैंक को अपनी मार्केट वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। इस तरीके से हम मार्केट वॉच लिस्ट बना सकते हैं और स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। और जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 07554311111 पे भी कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।